नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल रिक्रूटमेंट अड्डा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत में जो वेज रिवीजन होने वाला था 2017, उसमें जितने भी ट्रेनीस हैं, चाहे वो ACT हो या OCT हो, उनका स्टाइफेंड कितना बढ़ रहा है, इसके बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं हुआ था। रिसेंटली ये अप्रैल के 27 तारीख को जो मीटिंग हुआ है, उसमें एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है, जिसमें कि जितने भी OCT और ACT ट्रेनीस हैं, उनका स्टाइफेंड कितना बढ़ रहा है, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा और वो कब से लागू होगा, लगभग एक डेट भी आपको सूचित किया जाएगा, जिससे आपको एक लमसम आइडिया मिल जाए कि आपका बेसिक जो ट्रेनिंग में कितना पेमेंट मिलेगा जितने भी न्यू ज्वाइनिस ट्रेनी हैं, और फ्यूचर में जो ज्वाइन करेंगे उनके लिए नया स्टाइफेंड मानदेय कितना रहेगा, उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आइए हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये सर्कुलर 29 अप्रैल 2022 को निकला है, जिसके अंतर्गत में सब्जेक्ट जो है रिवाइज ऑफ रिमुनरेशन कंसोलिडेट स्टाइफेन टू ट्रेनीस इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर। जितने भी नॉन एग्जीक्यूटिव हैं OCT और ACT जो कि डिप्लोमा लेवल पे ज्वाइन करते हैं या ITI लेवल पे S1 ग्रेड S3 ग्रेड पे ज्वाइन करते हैं, उनके लिए जो है 488 मीटिंग हुआ था, जो कि 27 अप्रैल 2022 को हुआ था, जिसमें जो लमसम अमाउंट जो फिक्स किया गया है उसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले है वो S1 ग्रेड का, जो कि फर्स्ट ईयर में 12,900 अब से मिलेगा और सेकंड ईयर में 15,000 मिलेगा। S3 ग्रेड का जिसमें 16,100 फर्स्ट ईयर और 18,300 सेकेंड ईयर में। ये S1 जो है ACT वाले हैं और S3 जो है OCT ग्रेड के हैं। साथ ही साथ में S6 और S7 ग्रेड, ये जो है अनुकंपा नियुक्ति में अगर कोई ज्वाइन करता है S6 ग्रेड पे, तो उनको 19,500 फर्स्ट ईयर मिलेगा, सेकेंड ईयर में 21,600, 20,000 मिलेगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मिलेगा 22,200 रुपये मिलेगा। ये जो भी निर्णय लिया गया है इसको जो है आप देख सकते हैं, द एबो रेट्स शैल बी कम इनटू फोर्स विथ इमीडिएटली इफेक्ट। मतलब एक अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में, ये तो अप्रैल में सर्कुलर निकला है तो 10th अप्रैल तक जो भी पे करना रहता है वो डिसाइड हो जाता है, तो इतना मान के चलिए मई जून से जो है आपका पे हो सके तो आना स्टार्ट हो जाएगा। ये डेट मैं एक लमसम बता रहा हूँ, जून मंथ से आ सकता है, नहीं तो फिर जो भी निर्णय होगा वो सेल के द्वारा लिया जाएगा। और ये जो भी सर्कुलर है ये सभी को भेजा जा चुका है। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। तो आप लोग को आइडिया मिल गया होगा कि जितने भी न्यू ज्वाइनी ट्रेनीस हैं और फ्यूचर में जो ज्वाइन करने वाले हैं, जैसे सेल की वैकेंसी निकलती है उसमें ज्वाइन करेंगे, तो उनका स्टाइपेंड जो पहले 8,600 10,600 12,800 रुपये था, वो बढ़ के अभी 12,900 स्टार्टिंग हो गया है और 18,300 एक डिप्लोमा वाले के लिए सेकेंड ईयर में रहेगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।